जब वो शादी नहीं चली तो माय पेरेंट्स गेव मी अ चॉइस एंड दे आस्क्ड मी कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हैं बेटे या आप आपने कुछ सोचा है. ऐसे नहीं डैडी, मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी और मैंने अपने बच्चों को पालना. आई वॉज़ वेरी यंग, बच्चे भी मेरे ऑब्वियसली छोटे ही थे. तो डैडी ने कहा अच्छा, मुस्कुराए. तो उनका आई एम श्योर कि उन्होंने ना वो दिल में सोचा होगा कि ना शक्ल ना सूरत ना पढ़ाई ना लिखाई, ये क्या करेगी आगे. लेकिन बहरहाल वो मुझे सपोर्ट किया उन्होंने. सपोर्ट थी. मैं इंग्लैंड गई, मैंने अपना ब्यूटी का कोर्स किया वहाँ से. अच्छा, अब प्लान किया जी. फिर देन आई वॉज फोकस्ड, यू सी. वो बचपना जो ख़त्म हो गया था हादसात की वजह से या ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से, अब वो ज़िम्मेदारी के तौर पे उसको करना पड़ा. अब वो ज़िम्मेदारी, फिर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर उनको बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर तरबियत. तरबियत पे मुझे कभी कोई परेशानी इसलिए नहीं थी कि मेरे ख़्याल में नानी की तरबियत गाजो होती है ना, वो किसी भी फिनिशिंग स्कूल से बहुत बेहतर होती है. तो बस वो तो मुझे आसानी थी, स्कूल अच्छे जाते थे बच्चे, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी. सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड टू इंग्लैंड आए, और उस ज़माने में भी ख़त लिखकर आप अप्लाई करते थे. सो द फर्स्ट लेटर जिसका जवाब आया वो एक ब्यूटी स्कूल का था. तो उसमें एडमिशन दिलवा दिया डैडी ने. और देन आई वेंट टू इंग्लैंड एंड आई कंप्लीटेड माय कोर्स. आई केम बैक, आई वाज इन फॉर अनदर सरप्राइज. मेरे डैडी ने और मेरी माँ ने मेरे लिए एक सैलून भी बनाया हुआ था. दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई. मैंने कहा डैडी ये क्या है. डैडी ने कहा बेटे ये मैंने आपके लिए सेट किया. वाओ. मैंने कहा डैडी ये तो एक बार्बर शॉप है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ऊंची ऊंची साड़ी रखी. ठीक है. मैंने कहा डैडी ये तो बहुत काम करना पड़ेगा इसको दोबारा रीडू करने पे. ईगो उसके जहाँ पे जाता हूँ ना मैं बाल कटवाने, वहाँ पे ऐसे ही रखा होता है. बट यस, दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. इतनी इंस्पायरिंग बात है ये. हम कोई भी 2023 की बात नहीं कर रहे हैं. आपके ज़माने में इंग्लैंड गई, सिंगल मदर का होना, ब्यूटिशन का वहाँ से कोर्स करना, वापस आकर एक, ये आप उस टाइम की बात कर रही हैं जब पाकिस्तान में इसको बहुत ऑड समझा जाता था. बुरा समझा जाता था. तो आपके आसपास से सराउंडिंग्स में कानों में आवाज़ पड़ना शुरू हुई कि क्या आप बेटी को मतलब अब सैलून बना के दोगे या अब ये वो करेगी, बाल काटेगी, यू नो ये ऐसी बातें. बिल्कुल ऐसी बातें हुई. बट यू नो आई वाज सो लकी कि जब मैं घर आई और अपने साथ अपने बच्चों के साथ आई, तो फिर माई फादर यू नो कॉल्ड एवरीवन, हम सब बहन भाइयों को बुलाया और कहा अब मेरी बच्चियां जब तक तालीम मुकम्मल नहीं कर लेंगी उनकी शादी नहीं होगी. दिस वाज़ द विजन ऑफ अ फादर हु हैड 6 डॉटर्स, ठीक है, एंड दो बच्चे ऑल्सो, एंड मेरे भी दो बच्चे. तो उस वक्त एक बहुत ही मज़बूत सहारा थे, अभी भी बहुत अरसे तक रहे. तो मुझे ये लगता था कि अभी मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस विज़न को कि एक ऐसा बाप जिसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हों और वो कह रहा है कि मैंने पढ़ाना है. तो माशाल्लाह से नाउ व्हेन आई यू नो लुक एट माय फैमिली, दे ऑल सेटल विद देयर चिल्ड्रन, कोई डॉक्टर्स बन गए. हमारे घर में तो डॉक्टर्स भी बहुत हैं, इवन जो ब्रदर इन लॉज हैं वो भी डॉक्टर्स हैं. एंड द फैमिली बिजनेस इज़ फार्मास्यूटिकल. तो बीमार पड़ते हैं तो अपनी दवाइयाँ खा लेते हैं, और कुछ परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर को दिखा लेते हैं सिवाय मेरे. अच्छा अब सैयद आपा, मैं भी रिसेंटली कहीं पर पढ़ रही थी कि बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाओ, इस सोच के लिए नहीं पढ़ाओ कि कल को इनसे नौकरियाँ करवानी है. इनको इसलिए पढ़ाओ, इनको इसलिए एजुकेट करो, इनको इसलिए इंडिपेंडेंट करो ताकि कल को जब मुश्किल हालात आएँ या चैलेंजिंग हालात आएँ सो उनको पता हो कि हमने कैसे यू नो लाइफ में दोबारा आगे बढ़ना है या खड़े होना. मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मुझे प्यारी लगी. और जिस तरह से आप अपने वालिद साहब का तस्करा कर रही हैं, हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता. आपका आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कैसा था? अगर उनका सपोर्ट ना होता जब आप इंग्लैंड से आई, बच्चे गोद में हैं और एक
सरप्राइज, उन्होंने तो अपनी तरफ से यू नो बेस्ट किया ना कि जो जिसको आप बाबर शॉप की एक लुक कह रही हैं। कैसी तरबियत रही आपके पेरेंट्स की आपके लिए, कैसा रिश्ता था? बहुत प्यारा, मेरे साथ ही नहीं बाकी बहन भाइयों के साथ भी। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी बात ही को लेकर चलती हूँ कि येस आई वॉज़ लकी के मेरे वालिद साहब या हमारे घर में आसानियाँ थीं। फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, ऐसी बच्चियाँ जिनके इतनी मजबूती ना हो फाइनेंशियली, जिनके घर में इससे ज़्यादा अफराद हों और उनको काम करने की ज़रूरत है। अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ बायसेस हो रहे हैं ना, और उनको उनके लिए वो सोच नहीं रखी जा रही जो उस घर के मेल फैमिली मेंबर्स को रखनी चाहिए। तो यहीं से जो है ना एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो जाता है हमारे घरों में कि आपका से होना चाहिए, आपकी बात मानी जानी चाहिए, आपको इतना कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए, बोझ नहीं समझा जाना चाहिए। और जबकि ये सिर्फ हमारा सिस्टम ही नहीं, हमारे मज़हब में भी है कि ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार रहा। हमारी अगर हम अपनी हिस्ट्री को पीछे से उठा के देखते हैं कि अगर जंगें हो रही थी तो उसमें मौजूद थी, जो वहाँ पे ज़ख्मी हो जाते थे उनकी देखभाल करती थी। हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी जगह जब तशरीफ़ लाती थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन उठ जाते थे, यू नो लाइक एक औरत का। हाँ, एंड देन अम्मा खदीजा की मिसाल है हमारे पास, अमेजिंग आयशा की मिसाल है। एंड देन आप सोचें कि अपनी उम्र से कुछ बड़ी उन्होंने प्रपोज़ किया, ठीक है, और हमारे यहाँ बच्चियाँ अपनी पसंद को बताते हुए भी घबराती शर्माती। चलिए हम मानते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, हो गया जो रिलीजन पे, जो रिलीजन डजंट आस्क यू टू नॉट से एनीथिंग, रिलीजन आपको बताता है कि आप अपनी पसंद बताइए, ना पसंद जी। लेकिन अगर आपको ये मौका नहीं मिल पा रहा है तो ख़वातीन को और बच्चियों को एक तरीका होना चाहिए बताने का, बोलने का। और वो तरीका कहाँ से मिलता है? माँ से। माँ उसको मजबूत करती है। और अगर माँ अनपढ़ है, ठीक है, उसको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उसने कोई हालात ऐसे देखे हों, तो बच्चियाँ जो है ना अब बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन रोम यू लिव लाइक रोमन्स। अगर आपको पता है आपके घर में मर्द ऐसे हैं जो कि गुस्सा करते हैं या गाल गलोच करते हैं या हाथ उठा लेते हैं, तो आप उस वक्त वो बातें करें जिस वक्त ठंडा पड़ा हुआ कोई, यू नो, जो कि ताकि आपको अपनी बात कहने में आसानी हो। फिर भी आपसे बात नहीं मानी जाती है तो देर आर नाउ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन सिटिंग बैक एट होम कि वो घर में बैठ के भी हज़ारों काम करती हैं। वाई डू यू हैव टू वेट कि कुछ होगा, कोई मौजज़ा होगा? अल्लाह ताला का करम किसी पे भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप खुद हिले जुलेंगी नहीं, आप काम नहीं करेंगी, आप कुछ ना करें। मैंने ऐसी भी बच्चियों को देखा है जो घरों में बैठ के हैंगर्स बनाती हैं, ठीक है, एक रुपया का एक हैंगर, और पांचों बहनें जो हैं वो रोज़ाना के 500 हैंगर बनाती हैं या लिफाफे बनाती हैं। चलो वो वक्त गुजरते चले जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, बट द थिंग इज़ इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके लिए कोई कुछ करेगा? जब आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी जी एग्जैक्टली। मैं समझती हूँ आपकी तालीम जो है वो ट्रेनिंग बेस्ड होनी चाहिए। आपको अगर आप कुछ भी पढ़ रही हो तो आपको कोई हुनर आना चाहिए। यस, स्किल। जी, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये स्कूल की तरबियत नहीं होगी, स्कूल तो आपको बेसिक एजुकेशन देगा, सोशली हमें कैसे उठना बैठना है, हमें मैनर्स सिखाएगा, लेकिन जो स्किल है, आई गेस के आई एम ग्लैड कि हमारे जो बीके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कुछ हद तक, जो जानते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र में, यू नो, बड़ा अच्छा लगता है कोई बच्चा अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहा है तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कोई
यू नो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में भी इस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है. सो आई एम ग्लैड कि हमारे यहाँ ऐसे पेरेंट्स बट देन यू टॉकिंग अबाउट वो स्कूल्स और वो खानदान जहाँ पे ये आसानियाँ हैं. आप उन बच्चों की बात करिए जिनको ये आसानियाँ नहीं है या लोअर इनकम ब्रैकेट के हैं. वो बच्चे तो कूड़ा चुनते हैं. वो बच्चे तो अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं और माँ बाप उनको पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं कि अगर ये पढ़ेगा तो फिर काम कौन करेगा. सो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी स्ट्रीट चिल्ड्रन को हमने पढ़ाना है. वो पढ़ाते हैं, वो एक हफ्ते के बाद बच्चे सब चंपत सब भाग गए. सो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हमें ख़ानदान की वैल्यूज़, हमें मोरल्स की बात होनी चाहिए, हमारा मज़हब पे इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए कि आप अपने नसीब और किस्मत जो अल्लाह ताला ने आपके लिए दिए वो होगी और बेहतर होगी जब आप खुद कुछ करेंगे. सर बाबा आपने कहा कि आप लकी रहीं, आप ब्लेस्ड रहीं. मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी वो सारी ख़वातीन जो कि इस वक्त आपको देख रही हैं और शायद किसी ना किसी घरेलू उलझन का शिकार हैं, शायद वो अपने किसी ना किसी मसले को हल करना चाहती हैं लेकिन कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा, शायद उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है या शायद वो उतनी ब्लेस्ड नहीं रही जितनी आप रही थी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उन वो कहाँ से मोटिवेशन लेके आए, वो किसको इंस्पिरेशन बनाए? देखिए हमारे रिलीजन में, हमारी हिस्ट्री में और हमारे आज भी दुनिया में ऐसी, हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत बुरे हालात से गुजरने के बाद भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं. अगर मैं एक वायलेंट रिलेशनशिप में रही, ठीक है, जहाँ पे अब्यूसिव हो, आपको मार कुटाई इज़ अ कॉमन थिंग जो आपने कभी देखी ना हो, तो उससे मैं भी तो निकली हूँ ना, मैं भी तो अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ. और अगर मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ तो ये हौसला, ये हिम्मत मुझे किसी ने दी है. फ़र्ज़ करें कि ऐसी बच्चियाँ नहीं हैं जिनको ये हौसला नहीं मिल सकता, हिम्मत नहीं मिल सकती, तो क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगी? क्या वो अपने कंसर्न्स नहीं शो करेंगी? दे विल हैव टू डू, दे विल हैव टू स्टैंड, दे हैव टू वॉइस देयर कंसर्न्स. अगर इसी तरह पिटती रहेंगी, इसी तरह पिटना और गाली सुनना, या मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालो, ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाओ ऐसे तरीके से, और फिर हुकूक के लिए जो है ना वो जंग करना जो है ना वो मजबूत होता है. दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट. और ये मैं इस पर ज़रूर डिटेल में गुफ्तगू करना चाहूँगी लेकिन पीछे से बड़ा प्रेशर आता है. आपको पता है जो है हमारे लाइव शोज़ की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं कि हमें ब्रेक पर जाना पड़ता है. मुझे इस पर डिटेल में बात करनी है, स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से भी बात करनी है. और पहली बार कब आपने सोसाइटी में उन ख़वातीन का दर्द महसूस किया? आई एम श्योर बहुत सारे टॉक शोज़ में आप बता चुके होंगे लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए इन बातों को बार बार करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अब मैं ज़रा जानना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. मैं जब आपको देखती हूँ मैं इतना इंस्पायर होती हूँ, आप इतनी प्यारी लगती हैं, आप इतनी नफीस लगती हैं, आप इतना खूबसूरत बोलती हैं, इतना अच्छा सलीका है, यू नो इतनी अच्छी इंस्पिरेशन, इतनी अच्छी वाइब मिलती है. ये बचपन से घर से ही ट्रेनिंग थी या लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते यू नो हम हर कदम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं? ये आपका घर होता है, घर पे हमें हमेशा, आपने सुना भी होगा अल्फाज बोले जाते थे, तालीम और तरबियत, सूरत और सीरत. ठीक है, अगर तालीम अच्छी मिल रही है तो तरबियत घर से मिलती है. और तरबियत ये नहीं होती है कि मैं किस तरह बैठ रही हूँ, किस तरह उठ रही हूँ. मैं देखती हूँ, मैं ये देखूँगी कि मेरे घर में कोई ज़ोर से तो नहीं बोलता. मैं ये देखूँगी कि मेरी माँ जो है वो मुझे ये कहे कि बेटे अपने मुँह से बाल हटा लो, बहुत फूहड़ लगती हो तो, या आप जो है ना वो जब किसी मेहमान आते घरों में, तो आजकल के ज़माने में माएँ जो हैं या वालदैन जो होते हैं वो बच्चों से कहते हैं बेटे अंकल आंटी आ गए, सलाम तो करो. बच्चों ने अस्सलाम वालेकुम, ठीक है. उस वक्त हमें उठ के सलाम आदाब करना पड़ता था, ठीक है. हम पानी लाते थे तो हम ऐसे नहीं दे देते थे, हम हाथ रखते थे नीचे सलीके के साथ
क्योंकि ये चीज़ें हमने करते हुए देखा है, ठीक है ना। सो जैसे भी आपने कहा ना कि मैं पूछूंगी, आपने बहुत दफ़ा सब बातें बताई होंगी, ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए बहुत दफ़ा बताती हूँ कि अगर आप पत्थर के ऊपर भी पानी टपकाते रहते हैं तो पत्थर टूट जाता है। करेक्ट। सो अगर हम अच्छी बातें बताते रहेंगे तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि 100 लोगों में से 10 लोगों को भी ये बातें समझ में नहीं आए। करेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स अमेजिंग। मुसर्रत मिसबाह साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इनसे बहुत सारी गुफ्तगू जारी है हमारी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्माइल अगेन के हवाले से